अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने निर्देश जारी किया है, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ योगी सरकार ने दिए हैं। दरोगा सतीश और मारूफ को भी निलंबित किया गया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के मद्देनजर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा, एक माह का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। संपर्क में आने पर 21 दिन का आकस्मिक अवकाश रहेगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने निर्देश जारी किया, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा, एक माह का आकस्मिक अवकाश दिया गया। संपर्क में आने पर 21 दिन का आकस्मिक अवकाश होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशफाक, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, कोरोना का जिस तरह से एनसीआर रीजन में और लखनऊ में अचानक से बढ़ा है, उसके बाद एक आपात बैठक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी और जिसमें मुख्यमंत्री खुद थे, उसके बाद यह निर्देश जारी हुआ है कि जो है सरकारी कर्मचारी अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उनको जो है आकस्मिक अवकाश दिया जाए, स्वीकृत किया जाए। और बगैर जो है, इसमें सबसे खास बात यह है कि आकस्मिक अवकाश के लिए काफी हायर अथॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन इस बार जो डिपार्टमेंट के हेड है वो सीधे जो है अवकाश देंगे। और खास बात यह है कि इसमें जो कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी होंगे उनको 21 दिन का अवकाश दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर ये देखा जाता है कि उनके पास कमजोरी है या वो और दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो उन्हें एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर का जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जो है मांगा जाएगा। जी जी अशफाक, शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना केसेस को देखते हुए यहाँ पर तमाम तरह के दिशा निर्देशों को जारी किया है यूपी सरकार ने। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं, कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा।